ये क्या पहली तीर गोगो के पास? कैसे आया पहली तीर गोगो के पास? चलिए देखते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि टोनी और उसका डुप्लीकेट आपस में मिक्स हो जाते हैं। मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन टोनी है और कौन उसका डुप्लीकेट है। गोगो को पता नहीं चल जाए कि टू आउल्स है, तो मेहुल घाई घाई में लेफ्ट वाले को लेता है और झाड़ियों के पीछे जाके छुपा देता है। वहीं गोगो गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। गड्ढे की लंबाई 21 फीट है। गोगो ऊपर आना शुरू कर देता है। हर सेकेंड गोगो एक एक फीट ज्यादा चढ़ रहा है। जैसे शुरुआत में गोगो ने एक फीट चढ़ा, फिर चढ़ा दो फीट, फिर चढ़ा तीन फीट। तो क्या आप बता सकते हैं गोगो को कितने सेकेंड लगेंगे बाहर तक आने के लिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। पहले सेकेंड में गोगो एक फीट चढ़ेगा, दूसरे सेकेंड में गोगो दो फीट चढ़ेगा, तो टोटल तीन फीट हो जाएगा। तीसरे सेकेंड में गोगो तीन फीट चढ़ेगा, तो टोटल छह फीट हो जाएगा। वैसे ही चौथे और पांचवे सेकेंड पे होगा। छठवें सेकेंड पे गोगो 15 फीट चढ़ चुका होगा और गोगो 6 फीट चढ़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 21 फीट। तो 6 सेकेंड में गोगो गड्ढे के बाहर आ जाएगा। गोगो बाहर आता है तो उसे झाड़ियों से मेहुल आते हुए दिखता है। गोगो तुरंत टोनी को पकड़ लेता है। गोगो को नहीं पता ये टोनी है या उसका डुप्लीकेट है, और मेहुल भी श्योर नहीं है कौन सा असली टोनी है। बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है। इस कंफ्यूजन के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। मेहुल तुरंत एक तीर निकालता है और गोगो पे चला देता है। बताओ गोगो, इस पिक्चर में कितने ट्राइंगल्स हैं? क्या आप बता सकते हैं इस पिक्चर में कितने ट्राइंगल्स हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इस पिक्चर में कुछ 9 ट्राइंगल्स है इस तरह से। गोगो इसका जवाब बड़ी आसानी से दे देता है और मेहुल पे एक और तीर छोड़ता है। मेहुल, मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूं, अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। तुम्हें ध्यान से देखना है और मुझे बताना है बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। और गोगो ग्लासेस को घुमाना शुरू करता है। आप भी ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब मुझे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। मेहुल पहेली में पूरा घूम जाता है और तीर मेहुल को ले जाके झाड़ियों के पीछे फेंक देता है। मेहुल बेहोश हो जाता है। क्या आप पता कर पाए बॉल कौन से ग्लास के नीचे है या आप भी घूम गए? आप चाहे तो वीडियो को वापस रिपीट कर सकते हैं। बॉल ग्लास बी के नीचे है। गोगो समझ जाता है कि मेहुल के साथ साथ कुशल भी यहीं आसपास होगा, उसे रोकने के लिए आ रहा होगा। तो गोगो एक चाल बिछाता है कुशल के लिए। कुशल वहां पहुंच जाता है। कुशल को लगता है कि अभी तक टोनी की अदला बदली हुई नहीं है, उसे मेहुल भी नहीं दिखता। वो तुरंत एक तीर निकालता है और गोगो पे छोड़ देता है। बताओ गोगो, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कभी उसके रूम में जाने नहीं दिया? एक बार जब हस्बैंड बाहर गया हुआ था तो वाइफ ने की ढूंढी और डोर खोल के रूम के अंदर चले गई। रूम में अंधेरा था तो उसने लाइट का बटन शुरू कर दिया। उसने देखा कि टेबल पे एक बुक रखी हुई है। वो बुक को हाथ लगाने ही वाली थी कि तभी उसे उसके हस्बैंड की कार की आवाज आई। वो तुरंत लाइट बंद की और रूम से बाहर चले गई। हस्बैंड आते से अपने रूम में गया और समझ गया कि वाइफ उसके रूम में गई थी। कैसे? जब रूम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था तो हस्बैंड को कैसे समझा कि वाइफ उसके रूम में गई थी? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। हस्बैंड ने अंदर जाके देखा तो बल्ब गर्म था, तो उसे समझ गया कि उसकी वाइफ उसके रूम में आई। गोगो ने इस पहेली का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। फिर तुरंत गोगो ने कुशल पे तीर छोड़ा। बताओ कुशल, सिद्धेश और श्वेता हनीमून के लिए बाली जाते हैं। दोनों लोकल मार्केट से एक बहुत ही बड़ा और मीठा तरबूज खरीद के लेके आते हैं। दोनों बीच पे बैठ के मजे से तरबूज खा रहे होते हैं। तरबूज बहुत ही मीठा था। दोनों ने तरबूज के चार चार टुकड़े खाए। कुछ देर बाद अचानक सिद्धेश की मौत हो गई। टेस्ट में पता चला कि सिद्धेश की मौत जहर खाने से हुई है, पर सिद्धेश और श्वेता दोनों ने सेम तरबूज खाया था। फिर सिर्फ सिद्धेश की ही मौत क्यों हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? आंसर का हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को रिपीट करके क्लूज समझ सकते हैं। कुशल बता देता है कि श्वेता ने तरबूज के बीज नहीं खाए, जहर बीज में था। उस वजह से सिद्धेश की मौत हो गई, क्योंकि सिद्धेश ने बीज खा लिए थे। कुशल जवाब तो दे देता है, लेकिन जवाब देते देते गोगो के जाल में फंस जाता है और पहली तीर कुशल के हाथों से नीचे गिर जाता है। गोगो तुरंत पहली तीर उठा लेता है और पहली तीर उठा के तुरंत कुशल पे चला देता है। एक औरत बहुत बूढ़ी हो जाती है तो वो काम वाली बाई रख लेती है। हर वेंसडे ठीक 6:45 PM को वो काम वाली बाई को आने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि हर हफ्ते के मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगी और अगर तुम उस हफ्ते नहीं आई तो मैं 300 रुपए काट लूंगी। 15 हफ्ते बाद बूढ़ी औरत हिसाब करती है तो देखती है उसे काम वाली बाई को ना कुछ देना है ना कुछ लेना है। मतलब काम वाली बाई ने जितनी छुट्टियां मारी उसके पैसे काटने के बाद हिसाब बराबर हो गया। हर दिन का 200 रुपए देना है और छुट्टी के 300 रुपए कट होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं काम वाली बाई ने कितनी छुट्टियां मारी होगी? ध्यान से सोचिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। अब पहली तीर का जवाब तो कोई दे नहीं सकता, कुशल जवाब नहीं दे पाता है और कुशल बेहोश हो जाता है। लेकिन क्या आप पहली तीर का जवाब दे पाए? चलिए देखते हैं। काम वाली बाई 9 दिन काम पे आई और 6 दिन नहीं आई। 9 दिन काम का हुआ 9 × 200 = 1800 रुपीज और 6 दिन की छुट्टी का हुआ 300 × 6 = 1800 रुपीज। दोनों बराबर हो गए तो जवाब होगा 6 दिन नहीं आई थी। और वहीं मेहुल की नींद खुल जाती है तो वो गोगो के पास आता है हमला करने के लिए, लेकिन कुशल की हालत देख वहीं रुक जाता है और उसे जाल से निकालने लगता है। गोगो टोनी को लेके वहां से गुफा की तरफ निकल पड़ता है। गोगो गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा का दरवाजा लॉक होता है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं गुफा को ओपन करने का कोड क्या होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। गोगो प्रेस करता है 915 तो गुफा का दरवाजा खोल जाता है और गोगो गुफा के अंदर चला जाता है। चलिए देखते हैं 915 कोड क्यों होगा। 9 + 2 = 711 है, 9 - 2 हो जाएगा 7 और 9 + 2 हो जाएगा 11, इसलिए हो गया 711। वैसे ही 14 + 6 = 820 है, 14 - 6 हो जाएगा 8 और 14 + 6 हो जाएगा 20, इसलिए हो जाएगा 820। वैसे ही 12 + 3 में 12 - 3 होगा 9 और 12 + 3 होगा 15, तो कोड हो जाएगा 915। गोगो गुफा के अंदर जाता है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब सवाल यह है कि कुशल को क्या हुआ? दूसरा सवाल यह है, गोगो के साथ जो अंदर गया वो असली टोनी था या टोनी का डुप्लीकेट था? अदला बदली बराबर हुई या नहीं हुई? अब क्या होगा देखते हैं अगले वीडियो में, अगले हफ्ते ठीक 6:45 PM वेंसडे को। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।